नमस्कार। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत ट्रेंड कर रहा है कि भारत विदेशों में आधी कीमत पर पेट्रोल और डीजल निर्यात कर रहा है और भारत में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फॉरेन कंट्री में भारत 55 से 60 रुपए के बीच में पेट्रोल निर्यात कर रहा है, डीजल 54 से लेके 57 रुपए के बीच में निर्यात कर रहा है और भारत में अभी पेट्रोल की कीमत 114 रुपए के पार चली गई प्रति लीटर और डीजल की 109 रुपए या 108 रुपए प्रति लीटर हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? क्या यह बात सच है? बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सच है। भारत विदेशों में आधी कीमत पर पेट्रोल डीजल निर्यात कर रहा है, लेकिन आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है भारत में इतना महंगा बिक रहा है और विदेशों में इतना सस्ता भारत बेच रहा है? क्या रीजन है, क्या कारण है? आज अपन इसके बारे में जानेंगे। आइए, 2018 में एक आरटीआई मांगी थी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले रोहित सबरवाल ने, एक आरटीआई लगी थी। फिर 2018 में वो जवाब आया, मैंगलोर रिफाइनरी जो भारत सरकार की कंपनी है उसने पूरा डिटेल उस आरटीए में बताया कि भारत किन किन देशों को पेट्रोल डीजल निर्यात कर रहा है और किस कीमत पर निर्यात कर रहा है। और आज भी भारत पेट्रोल और डीजल निर्यात कर रहा है, तो 2018 की रेट से अगर अपन देखें तो आज किस कीमत पर निर्यात कर रहा है वो भी अपन जानेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 जनवरी 2018 को आरटीए लगाई थी रोहित सबरवाल ने, उसका जवाब आया मैंगलोर रिफाइनरी, ये भारत सरकार की रिफाइनरी है, वहां से जवाब आया भारत 29 देशों को, 29 नोट करना आप, भारत 29 देशों को पेट्रोल डीजल निर्यात करता है। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं अभी, और 2018 में निर्यात कर रहा था भारत और अब भी निर्यात कर रहा है पेट्रोल डीजल, और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और किन किन देशों को कर रहा है देखिए आप, इसमें ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड, हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों को भारत पेट्रोल डीजल निर्यात करता है। अब किस रेट पर किया 2018 में वो भी बता रहा हूं मैं आपको, किस रेट पर किया, पेट्रोल 32 से 34 रुपए की रेट पर निर्यात किया, डीजल 34 से 36 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से निर्यात किया। अब आप यहां नोट करना, उस वक्त 2018 में 32 से 34 की रेट पर पेट्रोल निर्यात किया और 34 से 36 की रेट पर डीजल निर्यात किया, और उस वक्त 2018 में अपने इंडिया में पेट्रोल डीजल की क्या रेट थी देखिए आप, उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत थी, पेट्रोल की कीमत थी 70 से 75 रुपए के बीच में और डीजल की कीमत थी 60 से 65 रुपए के बीच में। अब आप अंतर देखिए, आधी रेट में, जस्ट आधी रेट में भारत ने पेट्रोल डीजल निर्यात किया विदेशों को और भारत में इतना महंगा बिका, क्या रीजन था, क्या कारण था? भारत तो आयात करता है, भारत तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर है कच्चे तेल का, विदेशों से मंगवाता है। लेकिन अब अपन सोचने वाली बात यह है कि भारत तो विदेशों से कच्चे तेल मंगाता है तो भारत वापस निर्यात कैसे करता है, ये देखिए। पर निर्यात कैसे करता है भारत, वो भी आधी कीमत पर। देखिए, भारत कच्चे तेल को विदेशों से मंगवाता है, फिर उसे रिफाइन करके विदेशों में बेचता है। अब सबसे बड़ी नोट बात करना है, भारत कच्चे तेल को विदेशों से मंगवाता है, फिर भारत अपने यहां बहुत बड़ी रिफाइनरियां हैं अपने देश में, सबसे बड़ी बात यह है, फिर उस कच्चे तेल को रिफाइन करता है, रिफाइन करने के बाद उस तेल को भारत एक्सपोर्ट करता है विदेशों में। भारत कच्चे तेल को रिफाइन करने का खर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात नोट करना, भारत कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है फिर उसे रिफाइन करके विदेशों में बेचता है, तो जो अपन जो यहाँ रिफाइन करते हैं उस तेल को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमत पड़ती है अपने यहाँ कम पड़ती है, इसीलिए भारत ये बेनिफिट उठाता है
कि भारत वहां से कच्चा तेल मंगा लेता है, उसको रिफाइन करके विदेशों में भेज देता है, तो भारत को उसको बेनिफिट होता है, भारत को विदेशों से इनकम होती है, भारत में रोजगार जनरेट होते हैं। और जब विदेशी लोग उस वहां पे रिफाइनरी में उनके कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं तो उनका खर्चा ज्यादा पड़ता है, इसीलिए वो भारत से मंगवाते हैं क्योंकि भारत में खर्चा कम आता है। इसी वजह से भारत निर्यात करता है और भारत को आय होती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। भारत के लिए बहुत ही बेनिफिट है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और भारत को इनकम होती है। अब अगर ये चाहे तो बड़े बड़े देश या अपने यहाँ पे भी रिफाइन कर सकते हैं कच्चे तेल को, लेकिन उनके यहाँ रेट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, अपने यहाँ कॉस्टिंग कम आती है, इसीलिए वो अपने यहाँ से रिफाइन पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। भारत पेट्रोल उत्पादों के विषय में निर्यात की जाने वाली चीज़ों में दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद हैं। भारत बहुत सारी चीज़ों को निर्यात करता है, लेकिन क्या आपको पता है भारत सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा निर्यात करता है तो पेट्रोलियम उत्पाद हैं। आप ये नोट करना, आप पेट्रोलियम उत्पादों में भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में आता है। बहुत सारे देश भी रिफाइन करके पेट्रोल डीजल और निर्यात करते हैं, लेकिन भारत का नंबर 10वें नंबर पर आता है। देख लिए, इतनी बड़ी मात्रा में भारत पेट्रोल डीजल निर्यात करता है विदेशों में। समझिए, भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी उद्योग है। देखिए आप, पहले नंबर पर चीन है, चीन पेट्रोल डीजल एशिया में नंबर 1 पर निर्यात करता है। सेकंड स्थान पर भारत है रिफाइनरी उद्योग में, कच्चा तेल बाहर से मंगाता है भारत, फिर उसको रिफाइन करके विदेशों में बेचता है। सेकंड नंबर पर भारत एशिया में नंबर आता है इसका। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। विश्व के सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। देखिए आप, इतनी बड़ी प्लांट और इतनी बड़ी क्षमता है उसका कच्चे तेल को रिफाइन करने का। और वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 के बीच में भारत ने 66 मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल का निर्यात किया था। देखिए आप, अब आप कह सकते हैं भारत ने 66 मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल का निर्यात किया था 2019-20 में। अब यहां नोट करने की बात है, भारत में पेट्रोल डीजल की रेट ज्यादा क्यों? भारत विदेशों में आधी कीमत बेच रहा है और भारत में पेट्रोल डीजल की रेट ज्यादा क्यों? ये देखिए, इसका एक रीजन है घरेलू रिफाइंड तेल की कीमत पर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 100% टैक्स लगाया जाता है। नोट करने वाली बात यह है, अधिक टैक्स लगाने के कारण यह टैक्स निर्यात के समय नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने यहाँ पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाती हैं और यही जब भारत सरकार पेट्रोल डीजल निर्यात करती है ना, तो वहां पर टैक्स नहीं लगाया जाता। जस्ट इसी कारण, यही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है, इसी कारण भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा बिक रहा है और विदेशों में इतना सस्ता बिक रहा है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा 33 रुपये टैक्स के रूप में वसूले जा रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और राज्य सरकार के द्वारा 30 रुपये वसूले जा रहे हैं टैक्स के ऊपर। यानी देख लिए, 63 रुपये राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर टैक्स वसूल रही है पेट्रोल डीजल पर, और यही 63 रुपये जब भारत सरकार निर्यात करती है ना, तब नहीं लगाया जाता है। तो आप जस्ट मान लीजिए ना, बिल्कुल ये 63 रुपये आप अभी अपने जो रेट चल रही है उससे कम कर लीजिए, तो बिल्कुल आधी कीमत पर पेट्रोल डीजल विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर वहाँ पर क्यों नहीं लगाया जाता है? अगर वहाँ पर अगर ये टैक्स लगा दिए जाए ना, तो अपनी रेट दूसरे देशों से ज़्यादा हो जाएगी और फिर अपन से कोई भी देश रिफाइनरी तेल पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? इसलिए नहीं खरीदेगा कि अपन भी महंगा बेच रहे हैं, वो दूसरों देशों से खरीद लेंगे, इसलिए रेट की प्रतिस्पर्धा होने के कारण भारत ये टैक्स जो अभी अपने यहाँ देश में लगा रहा है, जब निर्यात करता है ना, तब नहीं लगाता है। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार 33 रुपये का टैक्स लगा रही है, इसमें 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। राज्य सरकार टैक्स लगा रही है 30 रुपये का टैक्स लगा रही है, यानी अगर दोनों को अगर मिला दे तो 63 रुपये का टैक्स हो रहा है। आप देख लीजिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिला के 63 रुपये का टैक्स ले रही है अपन से पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अगर अपन पेट्रोल की अभी वर्तमान में रेट है 114 रुपये प्रति लीटर, अगर ये टैक्स अगर अभी अपन माइनस कर दें तो ये 51 रुपये में पेट्रोल आपको मिलने लगेगा।
और डीजल अभी वर्तमान में 107 रुपए बिक रहा है। अगर आप ये 63 रुपए टैक्स माइनस कर दें तो 44 रुपए में आपको डीजल मिलने लगेगा प्रति रुपए लीटर। अब यही देखना, जब अपन पेट्रोल डीजल निर्यात करते हैं विदेशों में, तो यानी ये जो टैक्स है निर्यात के समय नहीं लगते। तो ऑब्वियसली बात है, जब निर्यात के समय ये टैक्स नहीं लगेंगे तो पेट्रोल डीजल की रेट आधी हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कि जब अपन बेच रहे हैं तो रेट आधी कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं लगा रहे हो, यहाँ भारत में टैक्स लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि टैक्स लगाना भी जरूरी है। कारण, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जैसे कि अभी भारत में COVID-19 का टीका सभी को फ्री लगाया था, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, रोड बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, ये सारे जो जो टैक्स के जो पैसे आते हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए इनकम के पैसे होते हैं, उसी पैसों से इंडियन गवर्नमेंट ये जो सरकारी योजनाएं चलाती हैं और सबको सुविधा देने की कोशिश करती है, इसीलिए टैक्स लगाए जाते हैं। अगर ये टैक्स नहीं लगाया जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी और ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो नहीं मिल पाएगी आम आदमी को। और जब भारत विदेशों में पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है तो इन पर टैक्स नहीं लगाता है, जो घरेलू कीमतों पर टैक्स लगता है वो निर्यात के समय नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो लगा दे तो जब इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है और भारत से फिर कोई रिफाइंड तेल खरीदना भी नहीं है, तो भारत को विदेशों से इनकम नहीं होती है और भारत में रोजगार अवसर पैदा नहीं होते। इसीलिए विश्व में कंपटीशन रखने के लिए भारत बहुत ही कम कीमत पर विदेशों में रिफाइंड तेल निर्यात करता है और वहाँ से प्रॉफिट कमाता है और अपने इंडिया में लाता है और इंडिया में रोजगार अवसर पैदा होते हैं। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।